सो हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल असॉल्ट में। तो जब बात करने वाले स्काईलॉर्ड के बारे में, क्योंकि उनकी कंट्रोवर्सी हो चुकी है इट्स कब्बो के साथ, तो उससे उन्होंने क्या बोला है चलिए देखते हैं। मतलब एक दिन पहले जब वीडियो ने अल्फा ने वीडियो बनाई थी एक दिन पहले अपनी, तब उसने मेरे को मारा था और वहां उसके 474 बजे थे। बट एक उसी के दो एक दिन मतलब नेक्स्ट डे मेरे को इसने मारा, इसने क्या नाम से कब्बो ने, तब इसके बेजेस थे 222 मेरी आईडी के। अब तुम बताओ मेरे को, रातों रात किसी आईडी के बेजेस बढ़ सकते हैं बट कम कैसे हो सकते हैं? देखा तुमने मेरे बेजेस उसमें कम दिखाया उसने, मतलब अल्फा उसने सॉरी तुम्हारे कब्बो ने कहीं ना कहीं किसी फेक बंदे को मारा, फेक स्काई लॉर्ड को मारा। बट उसने अपनी वीडियो का यहाँ पे टाइटल थंबनेल सब चेंज, टाइटल चेंज कर दिया, थंबनेल नहीं चेंज किया, टाइटल चेंज किया। पहले टाइटल में कुत्ता उत्ता लिखा था स्काई लॉर्ड, अंदर भी तुम जाओगे तो बहुत तुमको अजीब से लैंग्वेज देखने को मिलेगी जिसमें मेरे को आइडिया नहीं कि वो मेरे को गाली दे रहा है या क्या कर रहा है। तुम अगर वीडियो को ध्यान से देखो, बंगाली मेरे को बिल्कुल नहीं आती, देखो ठीक है। अब लोगों ने मुझे टैग किया कि भाई आपको वीडियो के अंदर गाली दे रहा है, ठीक है, वीडियो के अंदर गाली दे रहा है। तो पहली गलती इस भाई की, ये भाई ने फेक स्काईलॉर्ड को मारा, पहले कंफर्म भी नहीं किया कि मैंने स्काईलॉर्ड असली वाले को मार रहा हूँ या नकली वाले को मार रहा हूँ। बस जल्दी जल्दी मैं गुस्से गुस्से में या फिर बस अब दिमाग गिन सो, तो वो कहते हैं ना विनाश काल विपरीत बुद्धि, वैसा भाई का। अब भाई ने उस जल्दी जल्दी में वीडियो अपलोड कर दी, वहाँ खूब भर के गालियाँ दे दी। तो जब मैंने ये वीडियो देखी तब मैंने इंस्टाग्राम पे लपक के उनको प्यार दे दिया, क्योंकि देखो अगर तुम इस टाइप के वीडियो बनाओगे तो कोई भी बंदा तुम्हारी आरती नहीं उतारेगा, ठीक है। बनी बात है वो तुमसे गालियाँ सुनोगे उसके मुंह से, तो भैया को मैंने इंस्टाग्राम पे लपक के सुना दी। अब ये भाई ने दिमाग क्या लगाया अपने आप को डिफेंड करने के लिए, ठीक है, भाई ने अपने आप को डिफेंड करने के लिए बहुत प्यारा सा दिमाग लगाया। कैसा दिमाग मैं बताता हूँ, यहाँ इसकी गलती थी कि इसने फेक स्काईलॉर्ड को मारा और वीडियो अपलोड करी और गाली दी, जब इसको पता था कि ये अभी एक्सपोज हो जाएगा, इसने फेक स्काईलॉर्ड को मारा, लोग इसकी मार लेंगे अब, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने दिमाग कैसा लगाया, इससे पहले तुम थंबनेल में देखो क्या लगाया। थंबनेल में इस बंदे ने फोटो लगाई है गोट की, बकरे की, ठीक है, गोट की फोटो लगाई है इस बंदे ने थंबनेल में। तो देखो मैंने इसको यही बोला था कि भाई बकरा मैं नहीं हूँ, बकरा तू है, ठीक है। और मेरे को ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि तुम्हारे बांग्लादेश में जो दाढ़ी होती है बियर्ड्स, ठीक है, उसका तुम्हारा कुछ रिलीजन उसका वो है। बिकॉज देखो क्या हो ना, तुम्हारे BD71 में एक बंदा है BD71 रियाज, जो कि बहुत ज्यादा बेजस परचेस करता है, बांग्लादेश का ही है, और वो बियर्ड्स वियर्ड्स उतना कुछ रखता नहीं है, ठीक है, उतना मैंने देखा नहीं उसमें रखते हुए। और इवन कब्बो के पुरानी फोटोज में बियर्ड्स नहीं थी। तो इस बंदे ने यहाँ पे बकरे का फोटो लगा रखा था कि यार ये बकरा है, तो मैंने उसको ये बोला कि भाई बकरे की शक्ल तेरी है, देखो यहाँ पे नीचे उसको बोला तेरी शक्ल है बकरे की तरह, मेरी नहीं। क्योंकि अगर सामने वाला बंदा मेरे को कुछ गलत बोलेगा तो वो मेरी तरफ से, ये तो है नहीं कि मैं उसकी आरती उतारूंगा या थालियाँ दूंगा भाई को कि भाई प्लीज ये लो एक किलो चावल खा लो, आप ये मिठाई का डब्बा ले लो, मेरी तरफ से कुछ पैसे भी ले लो, थोड़े व्यूज भी ले लो, ऐसा तो करूंगा नहीं मैं। सामने वाला मेरे को बंदा गलत बोलेगा तो मैं गलत बोलूंगा। अब ये बंदे को जब मैंने इसको थोड़ा सा बोला ना कि भाई बकरा तू है ऐसा थोड़ा सा, और लॉकडाउन देखो एक चीज बताता हूँ तुमको मजे की बात, ठीक है, मजे की बात ऐसी कि सब जगह लॉकडाउन चल रहा है और ये बंदे को मैंने यही सजा दी थी भाई ट्रिम करवा ले, ट्रिम करके स्ट्रिम किया कर, तू बकरा लगता है, इसको इस टाइप से बोला मैंने, गालियाँ भी तुम दी, मैं मानता हूँ मैं गालियाँ दी क्योंकि ये बंदे ने काम ही कुछ ऐसा किया है, और अगर तुम इस टाइप का काम करोगे तो गालियाँ सुनोगे, बनी बात है। आज के लिए इतना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, इसे फ्री फायर के लेटेस्ट न्यूज़ के लिए। थैंक यू सो मच। से हो चुकी है इट्स कब्बो के साथ, तो उससे उन्होंने क्या बोला है चलिए देखते हैं। तो आज के लिए इतना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, इसे फ्री फायर के लेटेस्ट न्यूज़ के लिए। थैंक यू।